दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, मैं हिमांश, ग्रेड IPS क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए SBI क्लर्क मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ स्टेट वाइज। तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, और बेल आइकन को बताना, ठीक है। तो अपन बात करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों जिन्होंने सेकेंड शिफ्ट दी है। तो सेकंड शिफ्ट दोस्तों मॉडरेट मतलब टफ थी फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। स्पेशली रीजनिंग, बाकी और जीए क्वांट तो फर्स्ट शिफ्ट में भी टफ थी, सेकंड शिफ्ट में भी टफ थी, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये लास्ट में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा उसका आइडिया दूंगा, तो वीडियो पूरी जरूर देखना, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टेट वाइज, पूरे जितने भी स्टेट है ना उनकी अपन डिस्कस करेंगे। और एक और बात दोस्तों, बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल पर देखा है कि वो वैकेंसी को लेके कट ऑफ का कंपैरिजन कर रहे हैं, जबकि मेंस में वैकेंसी का कोई रोल नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है मेंस में कितनी भी वैकेंसी हो 10% को सेलेक्ट किया है प्री में, फिर उसका जैसे 9000 वैकेंसी है, सॉरी 900 वैकेंसी है, तो 9000 बच्चों को लिया है, अब 9000 का 10% लेंगे मेंस के अंदर, ठीक है, समझ में आया। तो इसका कोई रोल नहीं है वैकेंसी, अब बच्चे भी 9000 ही है ना अपने पास, तो 10% फिक्स है वो सभी स्टेट में, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसी उतना ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन वैकेंसी का कोई रोल नहीं है, ये कल केवल प्री के लिए होता है, प्री में होता है कि इतने बच्चे ले रहे हैं, समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले गुजरात स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। और ये जनरल की मैं बता रहा हूँ, और OBC SC ST इनके लिए भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। गुजरात की दोस्तों 79+-2 जाने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 79+-2। और गुजरात लोअर जोन में ही रहता है हर बार, और ये जनरल की है, तो OBC की इससे लगभग 9 से 10 मार्क्स कम कर लो दोस्तों, ठीक है। SC ST की OBC वाले से 5 काम कर लो, ठीक है, इस टाइप से ही रहती है मोस्टली। 10 नंबर का डिफरेंस रहता है जनरल OBC में, फिर OBC से 5 से 7 मार्क्स कम रहते हैं SC ST के, यही रहता है, ठीक है। और OBC और जनरल के कभी कभी बीच में मान सकते हैं अपन EWS का, ठीक है। EWS का जैसे कि 72-73 के आसपास, ठीक है। अब बात करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक की दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ 78+-2, ठीक है। OBC SC ST EWS का मैंने बता दिया, अब मैं हर एक का नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में OBC और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। वेस्ट बंगाल में 10 से 12-15 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, तो अप्रोक्स आप देख लेना, ठीक है। तो कर्नाटक की 78+-2, मध्य प्रदेश हायर जोन में रहता है, तो इसकी 92+-2 रहने के चांसेस है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की दोस्तों 85+-2 रहने के चांसेस है। और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल हायर जोन में ही रहता है, तो वेस्ट बंगाल की 89+-2 जाने के चांसेस है, 89+-2। अब बात करते हैं उड़ीसा की, उड़ीसा की दोस्तों कट ऑफ के चांस है 90+-2, ठीक है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की 86+-2। और दोस्तों बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, 100+ भी बता रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर की क्वांट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही बताया था। लास्ट ईयर की क्वांट के अंदर एक DA ऐसी थी जो बिल्कुल ईजी थी, और 5 क्वेश्चन थे, जैसे थोड़ी सी PO प्री में आती उस टाइप की DA थी, मैंने एग्ज़ाम दिया था। और इतनी ज़्यादा जो दूसरी DA भी थी इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव और लेंथी टफ नहीं थी जितनी इस बार है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ में थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बट 1 से 2 मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, उतनी ज़्यादा नहीं है। जितने मैंने देखे हैं बहुत सारे चैनल 105 के आसपास बता रहे हैं, इतनी तो दोस्तों बहुत कम रेयर चांसेस इतना जाने का, ठीक है। अब बात करते हैं अपन चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ की 94+-2। पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब की दोस्तों 93+-2 जाने के चांसेस है। अब बात करते हैं अपन तमिलनाडु की, तमिलनाडु की दोस्तों 90+-2 जाने के चांसेस है। दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली की मैंने देखा दोस्तों 105 बता रही, इतनी जाने के तो बहुत ही चांस है ही नहीं, ठीक है। तो दिल्ली के दोस्तों चांस है 97+-2, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तराखंड की, उत्तराखंड की दोस्तों 92+-2 जाने के चांसेस है। अब बात करेंगे हरियाणा की 92+-2, तेलंगाना की 86+-2, राजस्थान की दोस्तों 91+-2 जाने के चांस है। यूपी की बात करते हैं, यूपी की
कट ऑफ भी 90+ मैंने स्टूडेंट रहने के चांसेस हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की दोस्तों 83+ -2, महाराष्ट्र लोअर जोन में ही रहता है। असम की बात करते हैं, असम की 80+ -2, असम भी लोअर जोन में ही रहता है। तो मेरे को जितना डाटा मिला उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया, तो आप लोगों को बता दी कितने दिन कट ऑफ रहने के चांसेस है। तो अब दोस्तों आप लोगों को लग गया होगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो अब वेट करने से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे नोटिफिकेशन अब आने वाले हैं, आरबी असिस्टेंट के भी साल चांस है, आईपीएस क्लर्क, तो अब एसबीआई पीओ आ गया है, तो लग जाओ दार पे, पूरा जोड़ लगा दो, 6 महीने पढ़ लो दोस्तों, फिर पढ़े छोड़ दो, सिलेक्शन हो जाएगा। 6 महीने जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि बार बार पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं एक बार आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जितना जोड़ लगा सकते हैं लगा दो, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट में दोस्तों रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव और काफ़ी टफ थी फर्स्ट शिफ्ट से। फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मली जहाँ 25 के आसपास करके आ रहे थे, वहाँ लोगों के 15-17 ही हुए, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो 5 से 7 मार्क्स का इंक्रीमेंट मिलेगा। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल होता है कि ओवरऑल 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर एक सेक्शन के एवरेज अटैम्प्ट देखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज अटैम्प्ट रीजनिंग के थे 25, ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट में एवरेज अटैम्प्ट कितने हैं, तो उनको एक कर दिया जाएगा, तो सेकंड शिफ्ट वाले के मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। इस टाइप से नॉर्मलाइजेशन होगा। और क्वांट के अंदर भी यही, क्वांट के अंदर तो अप्रोक्स सेम है, जीए के अंदर भी यही चीज़ होगी, तो मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। एवरेज अटैम्प्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होता है, ये बात आप बिठा लो। और एक्यूरेसी थोड़ी सी, एक्यूरेसी तो मैटर करती है, ठीक है, बट सेक्शन वाइज ओवरऑल नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और क्या आप लोगों को क्या लग रहा है जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई उसके बारे में, तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या प्रेडिक्शन सही रहा है नहीं रहा है, ठीक है। वो प्रेडिक्शन सही रहा है नहीं वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, बट आप लोगों को क्या लग रहा है जो मैंने बताया उससे आप एग्री हो या नहीं हो, वो वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहो आप। और एक और खुशखबरी दोस्तों, जो आरआरबी क्लर्क के लिए जा रहे हैं, तो आरआरबी क्लर्क के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से, जिनका सितंबर बाकी, प्लस उसके अलावा भी अपन बहुत सारे पढ़ेंगे जीए के अंदर। आरआरबी क्लर्क 17 को है, प्लस जिनका एसबीआई क्लर्क भी है 17 को, वो भी देख सकते हैं, तो उनके लिए एक सक्सेस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं ट्राई करूँगा पूरा बैंक से जल्दी मेरा कैश के अंदर बैलेंस करने का, जितना जल्दी बैलेंस हो जाएगा उतना जल्दी मैं आके फिर आपको लोगों के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर दूंगा और सक्सेस सीरीज का पहली क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। और जो आरआरबी क्लर्क के लिए जा रहे हैं, अभी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है GA4 आरआरबी क्लर्क में, वो कंप्लीट कर देना, ठीक है। और SBI PO का एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए तो भर दो आप, और IPS क्लर्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज शाम तक आ जाएगा, तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा कौन कौन फॉर्म भर सकता है और अदर स्टेट से भरते तो क्या डाउट है, तो सारे डाउट क्लियर करूँगा। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे।